पंजाब 1978 तो लैके 1996 तक जिन्हों हिंदुओं का कतलेआम होया उन्होंने हक में आवाज़ चुकने लिए हूँ एक बार फिर शिव सेना शेरे पंजाब के पंजाब प्रधान विवेक सागर सगू सामने आए हैं। तो अज उन्हां वल्लों अपने दफ्तर में प्रैस वार्ता करके कहा गया कि 1978 तो लैके 1996 तक जिन्हों हिंदुओं का कतलेआम पंजाब में होया उन्होंने हक में आवाज़ बुलंद की जाएगी। उस समय दौरान जिहड़े हिंदुओं का कतल होया जिसकी सरकार ने अजे तक कोई सार नहीं ली जो कि अति निंदन योग है। विवेक सागर सगू ने अगे गलबात करदिया दसिया कि हमेशा ही पंजाबी हिंदुओं नू नज़रअंदाज किया गया है। कतलेआम होए हिंदुओं के परिवारों की भी अज तक आवाज़ नहीं उठाई गई, हमेशा ही उन्होंने अणगोलिया किया गया। तो जदों भी इन्होंने परिवारों के हकों की आवाज़ नू उठाया गया तो कई समाज विरोधी अंसरों वालों उन्होंने मजाक भी उड़ाया गया। इतों तक कि कहा गया कि यह झूठ है कि किसी हिंदू नू नहीं मारिया गया, सिर्फ एक समाज का ही कतल होया है। इस कारण उन्होंने टीम और साथियों ने सख्त मेहनत नाल अजिहे हजारां सबूत इकट्ठे किए हैं जिस दे लई उन्हां नूं 2 सालों का समा लगा। उन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों नूं किस बेरहमी नाल चुन चुन के मारिया गया सी अते कई अजिहे सबूत मिले हैं जिन्हां विच उस समय के कई संगठन भी कतलेआम विच शामिल सन जिसकी जिम्मेवारी उस समय उन्होंने उठाई तो उस समय दीआं अखबारां च वी खबरां छापियां गईआं सन। सगू ने दस्सिया कि उन्होंने दी टीम लगातार पीड़ित परिवारों नूं मिल रही है ते उन्हां दी विस्थारपूर्वक जानकारी इकट्ठी की जा रही है। सर मैं विवेक सागर सगू सनातन धर्म परिषद पंजाब प्रधान और शिवसेना शेरे पंजाब का पार्टी अध्यक्ष। अज असी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यदा जो मेन मुद्दा वै वह है वै कि पिछले काफ़ी समय तो पंजाब दे विच लगातार एक मंग की जा रही है कि जिदे विच जिहड़े 1978 तो 1978 तो लैके 1995-96 तक अत्तवादियों वालों जिन्हें भी हिंदू परिवारों के नाल या पंजाब दे अंदर जिन्हें भी कतल होए वो अत्तवादी जिहड़ियां घटनावां होईयां उहदे विच जिहड़े कतल होए उन्होंने उन्हां परिवारों नूं अज तक ना तो कोई इंसाफ मिलिया ना उन्हां नूं कोई मुआवजा मिलिया और ना उन्हां दी किसी भी सरकार ने चाहे कोई भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी की सरकार आई है पंजाब दे विच उन्होंने कभी किसी नूं परिवार नूं ना तो पुछया तो ना ही उन्हां दी कोई सार लई है। और असी अपने संगठन वालों इस चीज़ की मंग जिहड़ी है स्टेट गौरमेंट और सेंटर गौरमेंट दे कोल रखन जा रहे हैं क्योंकि कई बार इस चीज़ उत्ते क्वेश्चन पुट किए गए हैं जी जिस तरह मतलब कई लोग कहते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग जिते उन्होंने नाल कोई भी गलत हरकत हुई जिस तरह फॉर एग्जाम्पल तुसी लै लो कि 84 दे विच दिल्ली दे विच दंगे हुए सी जिहड़े कि असी भी उस चीज़ को गलत मानते हैं किसी भी धर्म नूं लैके टारगेट नहीं करना चाहिए। उहदे विच उन्हां परिवारों नूं कुछ मुआवजा आँदी जिहड़ी भी सरकार आँदी सी उन्होंने मुआवजा दिता लेकिन हिंदू परिवारों नूं अज तक किसी ने भी कोई मुआवजा नहीं दिता कोई उन्होंने सार नहीं पुछी कोई बात नहीं पुछी। सो उन्होंने इंसाफ दवाने वास्ते अज असी एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जिहड़ा नाम असी पंजाब फाइल्स दे नाम तों असी स्टार्ट की है। देखो इस तरह सर के इस तो पहला भी कई बार इस चीज़ के आवाज़ चुकी गई है लेकिन उस टाइम के उत्ते साढ़े को जी कमजोरी जी साड़ी मानते हैं कि हमेशा सानू अगो काउंटर क्वेश्चन किया जाता सी जी पंजाब दे विच ते हिंदू मरे नहीं तुसी किस बेस पर कह रहे हो कोई एविडेंस दिखाओ उन्हां वल्लों मतलब कि डायरैक्टली तो किसी बंदे ने कोई नहीं सी बोलता लेकिन तुसी मान के चलो कि जिहड़े विरोधी सीगे वो इस चीज़ के उत्ते ऑब्जैक्शन करते सीगे पंजाब दे विच कोई हिंदू मरिया नहीं है। सो असी पिछले 1-1.5 साल तो साडी पूरी टीम ने ये उत्ते मेहनत करके जिन्नियां FIRs हुई ने जिन्ने कतलकांड होए ने पंजाब के अंदर जिदे हिंदुओं नूं टारगेट किया गया वै और कई केस से इहो जिहे ने जिन्हां दे विच बाई नेम हिंदुओं के परिवार की पूरी लिस्ट जिहड़ा परिवार अपने धर्म नूं सपोर्ट करता सी या उस टाइम के जिहड़े अत्तवादी मूवमेंट सी उन्हां दा विरोध करता सी वो पूरे परिवार की जिहड़े मैंबर सी उन्हां दे नाम उन्हां कोल लिस्ट हुंदी सी और नाम लै लै के उन्हां नूं कतल किया गया। वो सारा डाटा असी 1-1.5 साल की मेहनत तो बाद पूरी टीम ने इकट्ठा किया वै जिदे बेस दे उत्ते असी हुण दोबारा इस चीज़ नूं लड़ाई नूं शुरू कर रहे हैं जिहदे नाल शायद जिहड़ियां सुत्तियां होईयां सरकारां उन्होंने जिहड़े सुत्ते हुए और मरे हुए जमीर ने वो जाग जाण जिहदे नाल पंजाब दे हिंदुआं दा जिहड़े परिवारां ने शहीदियां पाईयां ने या जिन्हां दे परिवार दे मैंबरां ने शहीदियां पाईयां ने उन्हां दे अगों जिहड़े वारस ने उन्हां दा कुछ इंसाफ हो सके। सर साडे कोल अप्रोक्सीमेटली 17,000+ एविडेंस ने जिहदे विच तुसीं कह सकदे हो कि FIR की जो मैं काउंटिंग करा तो अप्रोक्सीमेटली 150 तो 200 FIRs की कॉपी है जिदे अणपछात्या वालों या दहशतगर्दा वालों कतल का FIR दर्ज की गई है
और जो जे परिवार मरे ने उन्होंने बाई नेम सारे की एफ आई आर डिटेल हैगी है जी आने वाले टाइम के स्टैप बाय स्टैप असी सारा डाटा जोड़ा वा साडे मीडिया के अगे भी रखा और बहुत जल्दी असी पंजाब के जेडे गवर्नर साहब ने उन्होंने को भी असी टाइम लिया वै टाइम की कन्फर्मेशन होंगी है तो पूरा डाटा जोड़ा वा असी सरकार के हैंड ओवर करा ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। इस तरह सर जी साडी पंजाब फाइल्स की टीम है या जी मेरी सनातन धर्म परिषद की टीम है जो मैं अपनी गल करा इंडिविजुअली तो मैं फिलहाल हले तक 20 to 22 परिवारों को परसनली मिल चुका वा जो अमृतसर सराउंडिंग अमृतसर सिटी के ने लेकिन जी मेरी टीम है उन्होंने को अप्रोक्सीमेटली कह के चलो कि 170 तो वध परिवारों के नाल उन्होंने मीटिंग्स भी कर लिया ने उन्होंने गल भी हो गई है और डाटा सारा कलैक्ट किया जा रहा और जो थोड़े बहुत जो रह गए ने परिवार साढ़े पूरे पंजाब के या जे इतों पंजाब तो बाहर जा चुके ने पंजाब छड़ के यूपी राजस्थान दिल्ली या तो शिफ्ट हो चुके ने उन्होंने परिवारों भी असी नाल अटैच कर रहे हैं। देखो परिवार का इस तरह है कि उस परिवार की जो परिवार के मैंबर वालों जो कुछ दसया जा रहा वै उस चीज़ में पहला असी अपने को नोट डाउन करते हैं उस तो बाद उस डेट की जी अखबार की न्यूज़ होंगी असी उन्हें मैच करते हैं क्योंकि रीज़न की है असी क्रॉस चैकिंग असी जरूर कर रहे हैं और कारण की है कि जेडे अगो जी यूथ है या उनकी जनरेशन है उन्होंने प्रोपर जानकारी नहीं है या उन्होंने किसी गलत इन्फॉर्मेशन पास की गई तो असं यह नहीं चाहते कि गलत मुद्दा या झूठ के बेस के उत्ते कोई भी मुद्दा जो खड़ा किया जाए। जी सर सर जिहड़े पंजाब के अंदर जो कतलकांड उस टाइम तो हुए थे 1978 तो लैके 95-96 तक मैं दसिया कि जेडे इतों मूव कर चुके ने पंजाब छड़ के जा चुके ने उस टाइम अतवाद के दौर के उन्होंने परिवारों भी असी टच करन की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने एड्रैस लभ के या उनका डाटा उन्होंने कोई रैलेटिव को मिलता वा सानू दिल्ली च मिलता राजस्थान च मिलता या यूपी दे विच ने कुछ बॉम्बे दे विच भी एड्रैस सानू मिले ने उन्होंने नाल भी साडे टीम दे जिहड़े मैंबर्स ने और राबता अपना कायम कर रहे ने। सर इस तरह है कि असी कोशिश यह कर रहे हैं कि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के अंदर असी काम किया वा असी नहीं चाहते कि पंजाब का या देश का माहौल खराब होवे लेकिन दुख की गल है कि तुसी जिस तरह जानते हो कि कश्मीर के अंदर भी जिस तरह हिंदुओं का कान होया पंजाब के अंदर होया लेकिन हिंदुओं ने अंदर एक राष्ट्रवाद की यहोजा एक भावना वा कि तुसी देखो अज तक कितने भी हिंदुओं के नाल कोई धक्का होया वा या कतलेआम होया वा कभी हिंदुओं ने ना बसा साड़िया ना सड़क जाम कीतियां ना कोई तोड़फोड़ की लेकिन वह नतीजा यह निकलिया कि हिंदुओं को बिल्कुल इग्नोर किया गया। सो असी इस चीज़ को पूरा सिस्टम के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू असी गवर्नर साहब को सीएम साहब को और सेंटर गवर्नमेंट के जो अधिकारी ने उन्होंने नाल भी असी मिल के असी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके दे नाल यह चीज़ जिहड़ा वा साडी जिहड़ी मंगा ने उत्ते सुनिया जाए तो जे फिर भी उस चीज़ उत्ते अमल नहीं हुंदा या सरकारां उस तो बाद भी जे हिंदुओं को इग्नोर करदियां ने तो फिर मजबूरन जिहड़ा वा पूरे हिंदू समाज नूं पंजाब दे जिहड़ा हिंदू समाज है या जिहड़े बाहर बैठे ने साडे साथी उन्हां वल्लों इस चीज़ दे उत्ते संघर्ष किया जाएगा। बिलकुल जी तुसी बिल्कुल सही पॉइंट फड़िया वा 2024 दे विच इलेक्शन ने एमपी दे उहदे विच साडी कोशिश यह हैगी कि जिन्हें भी बीजेपी के लीडर इत्थे ने बीजेपी हमेशा हिंदू और हिंदुत्व की गल करती आई है लेकिन दुख की गल है कि पंजाब के हिंदुओं को कभी ना तो पूछा गया तो ना उनकी कोई सुनवाई हुई और उस तो वड्डी दुख की गल है कि जिन्हें भी बीजेपी के लीडर इत्थे पंजाब के अंदर सरगर्म ने उन्होंने भी कभी उस समाज में उन्होंने उस दुख में या उस पहलू में टच करने की कोशिश नहीं की और असी बिल्कुल जिन्हें भी बीजेपी के लीडर ने सेंटर गवर्नमेंट नूं जिहड़े रीप्रजेंट कर रहे हैं इत्थे इस टाइम उन्होंने नाल भी असी मीटिंग करांगे उन्होंने भी इस चीज़ की असी पूरी डिटेल देंगे और उन्होंने कोलों मंग रखांगे।